गाइस कैसे हो। आई होप सब अच्छे ही हो गए। और मेरी पूजा उजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नहा हा के एकदम रेडी हो गई हूँ। बच्चों को लगी है भूख, तो गाइस चलते हैं किचन की ओर। सो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है। आ जाओ आप भी पूजा कर लो। और पूजा करने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा, जो कि नाश्ता कराऊंगी। आज ना मेरे घर में काफ़ी काम चल रहा है। नीचे का प्लास्टर कमरों का ख़राब हो गया है, तो वो ही होना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, मूली के पराठों से नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि फिर लेबर आके लग जाएगी। छत का काम ख़त्म हो गया है और ये बना रही हूँ मैं। आज रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ना उतना अच्छा खास चीज़ कुछ बनाया भी नहीं था, और ऊपर से मुझे थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि मुझे सामान हटाना है, प्लास्टर होना है। नीचे नीचे का गल गया है नमी से। तो मैंने ये मूली कद्दूकस करके रख दी थी, निचोड़ के इसे कढ़ाई में हल्के से भून लिया है ताकि ये पानी ना छोड़े। और फटाफट से मैं नाश्ता करा दूँगी सबको। बस कुछ ही देर जा रही है, लेबर आने ही वाली है करने के लिए, क्योंकि छत पे ज़्यादा काम बचा नहीं है, तो थोड़ा सा ही बाकी है। तो अभी नीचे ही आएंगे वो लोग काम करने। आ जाओ आप भी नाश्ता कर लो। मैंने चाय बना रखी है और ग्रीन चटनी और मूली का पराठा। प्लीज़ आप आ जाओ नाश्ता कर लीजिए। और गाइस मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और क्योंकि ना मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल, प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आ जाओ आप भी गर्मा गर्म चाय नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता हो चुका है लगभग। अब मैं कर लूँगी कुछ सिलाई। और ये ना बुआ आई है हमारी, जो कि बुआ सास, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। अभी आई है वो, और ये गुड़ की चाय बना रही हूँ। वो बहुत ठंड में आई हैं तो कह रही थी मुझे गुड़ की ही चाय बनाना। चाय खोल रही है, तब तक मैं ये नाश्ते के बर्तन धो देती हूँ जो कि बहुत पड़े हुए थे, मैंने धोए नहीं थे। मैं कपड़े सिलने लगी थी और सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ फिर वो लोग काम करने में। अपना किचन में भी थोड़ा सा काम होना है नीचे और कमरों में भी, तो मैं अपना काम निपटा देती हूँ। और बुआ को चाय वगैरह मैंने पिला दी, फिर मैं अपने बर्तन धोने लगी। और बर्तन धोने के बाद मैं देखती हूँ फिर क्या करूँगी, क्योंकि आज बस डेली रूटीन का ऐसे ही बैंड बजा पड़ा है। क्योंकि ना काम जगह जगह वो लोग कर रहे हैं ना, तो बार बार हटना, सामान हटाना, यहाँ वहाँ वो करना, यही पड़ रहा है। और ये मेरी सिंक साफ़ हो गई है। मैं जब भी बर्तन धोती हूँ सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक गंदी अच्छी नहीं लगती है। और ये देखो मेरी सिंक में कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ़ एकदम क्लीन मिलेगी, क्योंकि मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ सिंक उतनी बार धोती हूँ। भले मेरे किचन में पत्थर ये सब लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपनी किचन को साफ़ ही रखती हूँ एकदम। मेरे किचन में पेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ, तो मेरी किचन साफ़ ही रहती है लगभग। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार को मैं कमरे गंदे छोड़ दूँ, लेकिन मैं किचन गंदी ना छोड़ूँ। क्योंकि कोई अचानक घर में आ जाए या कुछ हो जाए, तो फटाफट खाना या नाश्ता कर बना के दे दो। अगर किचन गंदी पड़ी है तो पहले उसे साफ़ करो, फिर कुछ करो। देखो एकदम क्लीन हो गई है मेरी किचन। मेरी ससुराल बिल्कुल पास में ही है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। अब देखो मैं दोबारा की चाय बना रही हूँ, क्योंकि जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, लेकिन गुड़ की बना रही हूँ फिर से। आजकल यहाँ ठंड बहुत है, तो गुड़ की चाय अच्छी लगती है, तो दूध अलग गर्म करके डाल देती हूँ। अब उन लोगों को चाय दे दूँगी एक बार, कम से कम 4-5 बार मैं चाय बना चुकी हूँ सुबह से। कभी कोई बोलते हैं पीने को, कभी कोई बोलते हैं, तो फिर मैं सबके, वो भी 2-3 लोग थे तो मैं उनको दे दी हूँ। पहले बुआ के लिए बनाई थी, फिर उनको, अब दोबारा दे दूँगी बुआ को भी चाय। ये देखो मेरी बुआ आई है, सर्दी में बैठी हैं शॉल ओढ़ के। एक बार बुआ पहले पी चुकी हैं, अब ये लेबर वाले पी रहे हैं, तो उनके साथ पी रही थी। और ये मैं झाड़ देती हूँ बेड शीट। और बेड शीट झाड़ने के बाद फिर देखती हूँ क्या करती हूँ, कि वहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि आज कुछ पता नहीं चला है कि कहाँ से क्या होगा।
और अब देखो अब ये 4-5 बार चाय हो चुकी है सुबह से। अब बाहर कोई आ रखा है तो मैं उसे चाय और पकौड़ी देने गई, और ये बना रही हूँ मैं शाम का खाना, जो कि खाने में बना रही हूँ तलखा, ये जो आलू मटर का सूखा तलखा बनता है वो बना रही हूँ, और पालक वाली उड़द की दाल जो बनती है वो बनाई है। मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि ना टाइम नहीं था, वो लोग काम कर रहे थे तो मुझे भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, और आज बहुत देर रात तक काम करा है क्योंकि वो लोग काम करके ख़त्म करके गए हैं, तो आज बिल्कुल शाम को गए हैं, टाइम से नहीं गए हैं। मैंने बनाई है तलखा और उड़द की दाल, पालक, रोटी, चावल। प्लीज़ आ जाओ आप भी, डिनर कर लो, जो भी रूखा सूखा डिनर है आज, बस ऐसा ही है आज की वीडियो, प्लीज़ ऐसी है, इग्नोर करना। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो आगे की वीडियो खूब अच्छे से बना के आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ इग्नोर करना और लाइक सब्सक्राइब करते रहना। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और मम्मी को खाना दे देती हूँ और माँ बेटे दोनों अंदर बैठे हैं, दोनों को ही दे देती हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है यहाँ। मम्मी चावल नहीं खाएंगी तो मम्मी को चावल नहीं दूंगी, उन्हें चावल दे दूंगी। आ जाओ आप भी डिनर कर लो। हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। आज वीडियो में खास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि डाल दूँ क्योंकि आज मेरे है ना काम चल रहा था बहुत ज़्यादा, और बुआ लोग भी आए थे तो बहुत मैं बिजी थी, सब में गंदगी सीमेंट सीमेंट हो रही थी तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। फिर भी मैंने सोचा छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, नहीं करो तो अधूरा अधूरा लगता है। प्लीज़ गाइस, आप जो न्यू लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो भी है मेरी वीडियो का कमेंट में बताना कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय।